बच्चों आज हम करेंगे चित्र चार्ट पर चर्चा इसके लिए शिक्षक कोई स्थानीय कविता और चित्र चार्ट जिसका शीर्षक है खेत इसकी व्यवस्था कर लें और चित्र चार्ट को पहले से देख लें समझ लें और उसमें क्या क्या चर्चा करनी है बंद एवं खुले प्रश्न तैयार कर लें शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों को अपनी भाषा और आपस में बातचीत करने के मौके दें यदि बातचीत करने में कोई ऐसा शब्द आता है जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते तो उसके स्थानीय अर्थ पर भी चर्चा करें उसको समझाने का प्रयास करें चित्र चार्ट पर चर्चा करने के लिए लगभग 25 मिनट आप दे सकते हैं कक्षा में इसके लिए कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं इसके बाद आप बच्चों से चित्र चार्ट में दिख रही चीज़ों घटनाओं गतिविधियों के बारे में सरल एवं तथ्यात्मक प्रश्न पूछें जैसे कि यह चित्र कहाँ का है दूसरा चित्र में क्या हो रहा है चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से करें आप ऐसे आठ से दस सवाल पूछ सकते हैं और हर प्रश्न पर तीन से चार बच्चों की प्रतिक्रियाएँ ले सकते हैं आप ये भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम दो बार खेलने के मौके अवश्य मिलें आप प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें आप बच्चे को यह निर्देश दें कि जोड़ों में ही दोनों बच्चों को उत्तर देना है कि इस बात पर हमें क्या उत्तर देना है वो आपस में सलाह करके उस प्रश्न का उत्तर तैयार करें जब बच्चों ने जोड़ों में बात कर ली तब आपके लिए दो तीन बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहें कोशिश करें कि हर बच्चे को एक दो बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिले लेखन के लिए आप बच्चों से कहें कि चित्र चार्ट पर हुई चर्चा से जुड़ा यदि कोई चित्र आपके दिमाग में है तो आप वो चित्र बनाएं बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को अपने साथियों को दिखाने को कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें इस दौरान आप घूम घूम कर उनका निरीक्षण अवलोकन करें फिर किसी तीन चार बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो उसकी प्रशंसा करें और कक्षा की किसी दीवार में बच्चों के कार्य को चिपका दें अब वो चित्र चार्ट देख लेते हैं इसमें आप बच्चों से क्या क्या पूछ सकते हैं बच्चों के क्या अनुमानित आंसर हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं ये है वो चित्र जिसमें कुछ लोग एक खेत में काम कर रहे हैं ये खेत का चित्र है खेत में कुछ लोग फसल काटने का काम कर रहे हैं फसल पूरी पक चुकी है फसल काट रहे हैं और एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कटी हुई फसल जा रही है लेकर जा रहे हैं जिसमें पेड़ों पर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं आसमान में भी कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक मोर दिखाई दे रहा है मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जब बरसात होती है तो बहुत अच्छा नृत्य मोर करता है एक बच्चा है जो कि पेड़ के छाँव में बैठा है बाकी सब लोग कटाई का, का काम कर रहे हैं कुछ लोग जो फसल कट चुकी है उसको सिर पर लादे हुए हैं कुल मिलाकर ये खेत का दृश्य है जो कि बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि आपको फसल किस रंग की दिखाई दे रही है ट्रैक्टर में कितने पहिए होते हैं ट्रैक्टर अधिकतर कहाँ चलाया जाता है और क्या आपने कभी ट्रैक्टर देखा है क्या आपके घर पर ट्रैक्टर है यदि है तो वो आपके किस काम आता है इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं